फ्रेंड्स, डियर मूवीज के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। बॉलीवुड में चोरी छुपे प्यार करने वालों के लिए बहुत गाने बने हैं। ऐसे में बॉलीवुड में छुप छुप के प्यार होना लाजमी ही है। पर कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड के ऐसे ही किस्से। रानी मुखर्जी और गोविंदा। 90 के दशक में रानी मुखर्जी और गोविंदा कई फिल्मों में एक साथ दिखाई दिए और साथ ही साथ ये दोनों दर्शकों के पसंदीदा कपल्स में से एक थे। ऐसा कहा जाता है कि रानी और गोविंदा न सिर्फ एक दूसरे को डेट कर रहे थे बल्कि लिव इन रिलेशनशिप में भी थे। हालांकि दोनों में से किसी ने कभी ये बात स्वीकार नहीं की। माधुरी दीक्षित और संजय दत्त। क्या आपको पता है कि माधुरी दीक्षित और संजय दत्त के बीच जबरदस्त अफेयर था। 90 के दशक में दोनों की जोड़ी को पर्दे पर काफी पसंद किया जा रहा था। इस दौरान खबरें आई कि दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं और संजय दत्त अपनी पत्नी ऋचा को तलाक देने वाले हैं। बाद में जब संजय दत्त टाडा केस में फंसे और उन्हें जेल जाना पड़ा तो माधुरी दीक्षित ने उनसे दूरी बना ली। प्रियंका चोपड़ा और शाहरुख खान। शाहरुख गौरी को बॉलीवुड का पॉवर कपल माना जाता रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था जब प्रियंका की वजह से शाहरुख गौरी के रिश्ते में उथल पुथल मच गई थी। उस वक्त प्रियंका शाहरुख के साथ हर पार्टी में देखी जाती थी, यहाँ तक कि उन पार्टीज में भी जिनमें सिर्फ करीबी आते थे। गौरी ने हालत जब ज्यादा खराब देखी तो शाहरुख को साफ मना कर दिया कि अब वो प्रियंका के साथ काम नहीं करेंगे। फिलहाल अब शाहरुख गौरी का रिश्ता सामान्य है और शाहरुख ने तब से प्रियंका के साथ काम नहीं किया। हुमा कुरैशी और अनुराग कश्यप। हुमा की पहली फिल्म गैंगर्स ऑफ वासेपुर थी जिसके डायरेक्टर अनुराग कश्यप थे। अनुराग और कल्कि के तलाक की वजह भी हुमा को बताया जाता है, हालांकि असल में क्या हुआ था ये किसे मालूम। प्रियंका चोपड़ा और शाहिद कपूर। 2011 में जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सुबह सुबह प्रियंका के घर में रेड डाली तो शाहिद कपूर प्रियंका के घर में ही पाए गए। हालांकि उस वक्त दोनों ने रिलेशनशिप में होने की बात को सिरे से खारिज कर दिया, मगर जनवरी 2019 में कॉफी विद करण में शाहिद कपूर ने स्वीकार किया कि वो और प्रियंका एक दूसरे को डेट कर रहे थे। श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर आशिकी में नजर आए इस जोड़े के बारे में खबर आई थी कि ये लोग प्यार में हैं, लेकिन ना तो श्रद्धा ने ना ही आदित्य रॉय कपूर ने इस बात स्वीकार किया, लेकिन दोनों का अफेयर आज भी एक राज बना हुआ है। रानी मुखर्जी और अभिषेक। युवा और बंटी और बबली जैसी फिल्में करने के दौरान दोनों ने एक दूसरे को जाना और करीब आए। इसके बाद दोनों का रिश्ता जल्द ही खत्म हो गया क्योंकि अभिषेक बच्चन की शादी ऐश्वर्या रॉय से हो गई। हालांकि रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन के बारे में अफवाहें बहुत ज्यादा थी। इस अफेयर को सच इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि रानी को अभिषेक ऐश्वर्या की शादी में भी नहीं बुलाया गया था। डिंपल कपाड़िया और सनी देओल। डिंपल कपाड़िया की शादी महज 16 साल की उम्र में राजेश खन्ना के साथ हो गई। उन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में ट्विंकल खन्ना को जन्म दिया, लेकिन राजेश खन्ना के साथ उनकी शादी कभी सफल नहीं हो पाई। राजेश खन्ना से अलग होने के बाद डिंपल का नाम सनी देओल के साथ जुड़ा। दरअसल पर्दे पर सनी डिंपल की जोड़ी हिट हो गई और असल जिंदगी में भी दोनों की नजदीकियां बढ़ गईं। फिर भी दोनों ने इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं किया। नरगिस पाखड़ी और रणबीर कपूर। दोनों सितारे रॉकस्टार में साथ में दिखे थे। उस दौरान रणबीर और दीपिका पादुकोण के ब्रेकअप की चर्चा जोरों पर थी, साथ ही साथ नरगिस और रणबीर की करीब आने की खबरें भी जोर पकड़ रही थी। हालांकि दोनों इस बात से इनकार करते रहे। शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार। शिल्पा का अफेयर फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी से शुरू हुआ था। इन दोनों के अलग होने का कारण ये था कि अक्षय की नजदीकियां ट्विंकल के साथ भी थी, जिसका पता शिल्पा को लगा तो वो बुरी तरह से हिल गई। तब उन्होंने तय किया कि वो अक्षय के साथ दोबारा कभी काम नहीं करेंगी। दोनों की साथ में आखिरी फिल्म धड़कन थी। सोनाक्षी सिन्हा और शाहिद कपूर। राजकुमार की शूटिंग के वक्त दोनों मिले और रियल लाइफ के साथ साथ रियल लाइफ में भी प्यार हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद भी दोनों एक दूसरे से केवल जुड़े ही नहीं रहे बल्कि रिलेशनशिप में भी थे। कंगना रनौत और अजय देवगन। कंगना रनौत और अजय देवगन उस वक्त चर्चा में जाए जब दोनों वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई की शूटिंग के दौरान मिले। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों में काफी नजदीकियां भी थी। हालांकि तब तक अजय की शादी काजोल से हो चुकी थी और कंगना अजय का रिश्ता बस कैजुअल ही था। एक इंटरव्यू में कंगना ने स्वीकार किया था कि शादीशुदा इंसान के साथ रिश्ते में आना उनकी एक भारी भूल थी। लीसा हेडन और रणदीप हुड्डा। क्वीन फिल्म से मशहूर हुई एक्ट्रेस लीसा हेडन को एक बार मुंबई में देर रात रणदीप हुड्डा के साथ देखा गया और तभी वहां मौजूद पत्रकारों ने उन्हें कैमरे में कैद कर लिया। दोनों ने साथ में किसी भी फिल्म में काम नहीं किया है, मगर दोनों काफी दिन तक साथ देखे गए थे।
आमिर खान और पूजा भट्ट। आमिर खान और पूजा भट्ट के अफेयर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मीडिया में भी इनके अफेयर की खबरें उस समय नहीं आई थी। आमिर खान और पूजा भट्ट के अफेयर की शुरुआत दिल है कि मानता नहीं फिल्म की शूटिंग के दौरान शुरू हुई थी। बता दें कि जब आमिर खान और पूजा भट्ट का अफेयर चल रहा था, उस समय आमिर खान शादीशुदा थे और पूजा भट्ट के पिता महेश भट्ट ही फिल्म बना रहे थे। दिल है कि मानता नहीं फिल्म में दर्शकों को आमिर खान और पूजा भट्ट की जोड़ी बहुत पसंद आई, लेकिन इनका अफेयर बहुत लंबा नहीं चल सका, यानी बहुत जल्दी दोनों के रास्ते जुदा हो गए। अनुष्का शर्मा और जोहेब यूसुफ। अनुष्का शर्मा और जोहेब यूसुफ के अफेयर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये उस समय की बात है जब अनुष्का शर्मा की बॉलीवुड में एंट्री नहीं हुई थी, इसलिए उनके अफेयर के बारे में भी किसी को कोई दिलचस्पी नहीं थी। अनुष्का शर्मा ने जब बॉलीवुड में अपनी पहचान बना ली तो उनके और विराट कोहली के अफेयर की खबरें खूब चर्चा में रही। फिर अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने शादी कर ली और अब तो अनुष्का माँ बनने वाली है। दीपिका पादुकोण और निहार पांड्या। दीपिका पादुकोण का नाम वैसे तो कई एक्टर्स के साथ जुड़ा है, लेकिन उनके इस सीक्रेट अफेयर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जब दीपिका एक्ट्रेस नहीं थी और मॉडलिंग कर रही थी, उस समय दीपिका पादुकोण और निहार पांड्या का अफेयर था। तब दीपिका इतनी मशहूर नहीं थी, इसलिए इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। बता दें कि दीपिका पादुकोण और निहार पांड्या उस समय हिमेश रेशमिया के एल्बम आपका सुरूर में भी नजर आ चुके हैं। बाद में जब दीपिका पादुकोण फेमस होने लगी तो उन्होंने निहार पांड्या से दूरी बनानी शुरू कर दी। अब दीपिका पादुकोण ने रणवीर सिंह से शादी कर ली है और दोनों अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। ऐश्वर्या राय ने जब फिल्मों में काम करना शुरू किया तो सलमान बॉलीवुड में पहले से ही पैर जमा चुके थे। दोनों की मुलाकात हुई हम दिल दे चुके सनम के सेट पर। कहा तो ये भी जाता है कि सलमान ऐश्वर्या से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन दोनों के रिश्ते में ऐसी दरार पड़ी कि आज भी दोनों एक दूसरे के सामने आने से कतराते हैं। ऐश ने अभिषेक से शादी कर ली, लेकिन सलमान कई अफेयर करने के बाद आज भी अकेले हैं। बॉलीवुड में जब भी अफेयर की बात होती है तो अमिताभ और रेखा के रिश्ते की जरूर चर्चा होती है। हालांकि अपने रिश्ते पर दोनों ने कभी मुंह नहीं खोला, लेकिन इनका फंसाना पूरा जमाना जानता है। कहा तो ये भी जाता है अमिताभ जया से नहीं बल्कि रेखा से शादी करना चाहते थे, लेकिन ना जाने दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि अमिताभ और जया की शादी हो गई। लेकिन कहने वालों ये भी कहते हैं कि शादी के बाद भी अमिताभ रेखा को नहीं भूल पाए और आज भी रेखा तन्हा है। जॉन और बिपाशा का रिश्ता करीब 10 सालों तक रहा। दोनों एक साथ अपने रिश्ते में काफी खुश थे। दोनों का शादी करने का इरादा भी था, लेकिन 2012 में अचानक ना जाने ऐसा क्या हुआ कि दोनों की राहें हमेशा के लिए जुदा हो गईं। गुरुदत्त की जिंदगी का लव ट्रायंगल आज भी उनके फैंस के लिए किसी रहस्य की तरह है। गुरुदत्त को पहले गीता दत्त से इश्क हुआ जिनसे उनकी शादी भी हुई, फिर वो वहीदा रहमान को भी चाहने लगे। वहीदा और गुरु दोनों ही अपने रिश्ते को न तो स्वीकार करते थे और न ही इससे इनकार करते थे। गुरुदत्त न गीता को छोड़ना चाहते थे न वहीदा को। 10 अक्टूबर 1964 को उन्होंने शायद इस उलझन से बचने के लिए खुदकुशी कर ली। वहीदा उनकी जिंदगी में थी नहीं और गीता को वो कभी वापस नहीं पा सकते थे, इसलिए उन्होंने मौत को ही गले लगाना बेहतर समझा। जीनत ने 70 के दशक में अपने बोल्ड और बिंदास अंदाज से रुपहले पर्दे पर आग लगा दी थी। उनके इसी अंदाज पर फिदा हो गए संजय खान। संजय खान वैसे तो शादीशुदा थे और 3 बच्चों के पिता भी, लेकिन जीनत ने उन्हें इस कदर दीवाना बनाया कि वो सब कुछ भूल बैठे। कहा तो ये भी जाता है कि दोनों ने चुपके से शादी भी कर ली, लेकिन दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ, संजय ने सरेआम जीनत को पिटाई भी की, जिसके बाद दरार दोनों अलग हो गए। शोमैन राज कपूर वैसे तो शादीशुदा थे, लेकिन उनकी जिंदगी में अफेयर की लिस्ट काफी लंबी है। सबसे ज्यादा उनका नाम जुड़ा नरगिस से। नरगिस तो इस कदर उनके प्यार में गिरफ्तार थी, उनकी एक फिल्म के लिए उन्होंने अपनी सोने की चूड़ियां तक बेच दी थी। लेकिन शादीशुदा राज के साथ नरगिस का साथ ज्यादा दिन तक नहीं चला और नरगिस ने सुनील दत्त से शादी कर ली। प्रभुदेवा और नयनतारा के अफेयर के किस्से में एक बड़ा ट्विस्ट है। चर्चा है कि प्रभुदेवा से शादी करने के लिए उनकी पहली पत्नी से नयनतारा से फोन कर सहमति मांगी थी। प्रभुदेवा और लता ने साल 1995 में शादी रचाई और इसके बाद उनकी लाइफ में एंट्री हुई नयनतारा की। बात इतनी बढ़ गई कि प्रभुदेवा ने पत्नी से अलग होने का फैसला ले लिया। वैसे कहते हैं कि लता ने अपनी शादी बचाने की काफी कोशिश की। पहले सुलह कराने की अपील लेकर लता कोर्ट पहुंची थी और धमकी भी दे डाली कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वह भूख हड़ताल पर भी चली जाएंगी। हालांकि वह अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो पाए और उनका रिश्ता बिखर गया।
बॉलीवुड के पॉपुलर डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने साल 2005 में माया शेट्टी से शादी की। साल 2012 में रोहित के अफेयर की भी अफवाहें उठी। बताया जा रहा था कि रोहित और प्राची देसाई फिल्म बोल बच्चन की शूटिंग के दौरान करीब आए। हालांकि बताया जाता है कि उन्होंने अपनी शादीशुदा लाइफ को वक्त रहते संभाल लिया। सैफ अली खान ने खुद से 13 साल बड़ी अमृता सिंह से साल 1991 गुपचुप शादी रचाए, लेकिन उनके इस रिश्ते की डोर थोड़ी कमजोर निकली। इसके बाद सैफ की लाइफ में इटालियन मॉडल रोजा आ गई, जिनके साथ कई सालों तक उनका अफेयर चला। साल 2004 में उन्होंने अमृता से तलाक ले लिया और साल 2012 में करीना कपूर से शादी रचाई। सभी जानते थे कि 90 के दशक की हार्टथ्रोब उर्मिला मातोंडकर सबसे लंबे समय तक आरजीवी के साथ रिश्ते में थी और उन्होंने उनके साथ कई फिल्मों में काम किया। यह माना जाता था कि दोनों अलग होने से पहले लंबे समय तक रिश्ते में रहे थे। भट्ट कैंप के इस डायरेक्टर को अपनी खूबसूरत एक्ट्रेस से प्यार हो गया और माना जाता है कि दोनों अलग होने से पहले 5 साल से अधिक समय तक साथ रहे। कथित तौर पर वह हमेशा के प्यार में पागल थे, लेकिन वह तब अपने करियर में व्यस्त थी। मिथुन चक्रवर्ती के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पत्नी योगिता बाली को धोखा दिया था और वह दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी पर फिदा थे। इतना ही नहीं, उन्होंने जब सुना कि श्रीदेवी और बोनी कपूर का नाम जुड़ रहा है तो मिथुन ने सेट पर श्रीदेवी से बोनी कपूर को राखी तक बंधवा दी थी। ऐसा भी कहते हैं कि मिथुन ने 1985 में श्रीदेवी से गुपचुप शादी की थी।